मैंने 2018 में श्री पद्म श्री सुभाष पालकर जी से पालमपुर में 7 दिवसीय कार्यक्रम में ट्रेनिंग ली थी, और उसके बाद जो है मैं लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, प्राकृतिक खेती में काम कर रहा हूँ। पिछले कुछ समय से सरकारें किसानों को जैविक खेती की तरफ प्रेरित करने के लिए काफी ज्यादा प्रयास कर रही हैं। कुछ ऐसे भी किसान हैं जिन्होंने जैविक खेती में नए आयाम स्थापित कर दिए हैं। इन्हीं में से एक हैं मंडी जिला मुख्यालय के साथ लगते बीर गांव के उन्नत किसान बलवीर सिंह ठाकुर। बलवीर सिंह ठाकुर अपने घर पर ही गाय के गोबर और गौमूत्र से जैविक खाद और कीटनाशक बनाने का कार्य करते हैं। इस तकनीक को सीखने के लिए प्रदेश के कोने कोने से किसान उनके घर पर आते हैं और इसे बनाने की विधि जानते हैं। मैंने 2018 में श्री पद्म श्री सुभाष पालकर जी से पालमपुर में 7 दिवसीय कार्यक्रम में ट्रेनिंग ली थी, और उसके बाद जो है मैं लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, प्राकृतिक खेती में काम कर रहा हूँ। मैं मास्टर ट्रेनर भी हूँ, और मैंने आज तक जो है लगभग 30 कैंपों में भाग लिया, और कम से कम मैंने जो है 600-700 किसानों को जो है प्रशिक्षण भी दिया हुआ है। मैंने देसी गाय रखी है, उसके गौ मूत्र और जो गोबर है उससे मैं घन जीवामृत इत्यादि बनाता हूँ, और बाकी भी जैसे कीटनाशक, अग्निअस्त्र, ब्रह्मअस्त्र और दशसर्पीय अर्क, ऐसी चीज़ें बनाता हूँ और उनको जो है मार्केट में भी बेचता हूँ। काफ़ी लोग जो है यहाँ भी आते हैं देखने मेरे पास, वो ये सीखने भी आते हैं कि कैसे जीवामृत, घन जीवामृत बनाया जाता है या कोई और दवाई बनाई जाती है, तो हम उनको भी सिखाते हैं घर में। किसान अनिल शर्मा ने बताया कि वे जैविक खाद और कीटनाशक बनाने की विधि जानने के लिए बिलासपुर से मंडी आए हैं। आज रसायन युक्त कीटनाशकों से खेती के साथ साथ स्वास्थ्य को भी जो हानि हो रही है, उसके चलते अब बहुत से किसान प्राकृतिक खेती की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। देखिए, आज की डेट में हम लोग जो भी खेत में उगाते हैं, जो भी फसल उगाते हैं, उसमें खाद का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। यूरिया हो गया और भी कई पेस्टिसाइड्स हो गए जो घास के लिए हम स्प्रे करते हैं, किसी भी चीज़ को, तो सारा मिक्स होके वो अनाज में आ रहा है, और अनाज जो है वो हमारे खाने में आके आदमी की सेहत को ख़राब कर रहा है। तो इसलिए ऐसा है कि आज की डेट में सबसे पहले हम लोगों को अपने खान पीन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो इसलिए जैविक खेती, जो कि सरकार भी जिस चीज़ को प्रमोट कर रही है, वो हम लोगों को करनी चाहिए, क्योंकि आज की डेट में जितना हम शुद्ध खाएंगे उतना अपने स्वास्थ्य को ठीक रख पाएंगे। तो मंडी में हमारे यहाँ पे बलवीर जी हैं, जो कि यहाँ जैविक खाद का बनाने का काम भी करते हैं और जैविक खेती भी साथ में कर रहे हैं। तो हम उनके पास आए थे, उनके पास देखा कि वो किस तरह से तैयार करते हैं, तो हम इसलिए उनके पास आके ये चीज़ें सीखने के लिए आए थे कि कल को हम भी अपने
गांव में जाके इस तरह की खेती कर सकें।